ये स्टोरी के स्टार्ट में हम एक लिया नाम की छोटी सी बच्ची को देखते हैं, जिसके पास ना ही रहने की कोई जगह है एंड ना ही खाने के लिए कोई चीज। बट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी एक चीज उसे बहुत ज्यादा खुश कर देती है, जो है स्पाइडरमैन। वो स्पाइडरमैन को देखते ही उसे बुलाने की कोशिश करती है, बट क्योंकि स्पाइडरमैन वल्चर से फाइट करने में बहुत ज्यादा बिजी था, वो उस पे ध्यान दिए बिना वहां से चला जाता है। एक रात जब लिया अपने न्यूज़पेपर से बनाए हुए ब्लैंकेट को ओढ़ के सो रही होती है, उसकी नींद अचानक से ही खुल जाती है एंड वो देखती है कि उसके सामने स्पाइडरमैन खड़ा है। इसके बाद स्पाइडरमैन लिया को अपने पीठ पे बैठाता है एंड पूरी न्यूयॉर्क सिटी घुमाता है एंड हम देखते हैं कि लिया बहुत ज्यादा खुश है। बट रियल स्टोरी ये नहीं थी। ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई वो सिर्फ इल्यूजन्स थे जो लिया के माइंड में चल रहे थे। सच बात तो ये है कि लिया उस रात उठी ही नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लिया को हॉस्पिटल में देखते हैं एंड स्पाइडरमैन उसे खुद हॉस्पिटल लेके आया था। एट लास्ट स्पाइडरमैन लिया को किस करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मैं तुम्हें स्वीट ड्रीम्स कहना चाहता हूँ लिया।